नहीं किया है। दोनों तरफ सीट शेयरिंग पर बात लगातार चल रही है और दावा है कि जल्दी ही सीटों पर समझौता हो जाएगा। ने जो सीटें जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती हैं, वो उनकी अमानत है। हाँ, बीजेपी में बिहार में एको को टिकट बांटा जाना ना, वो बताइएगा। आ जाएगा, जब तय हो जाएगा तो आपके जानकारी में सबसे पहले। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, बिहार में सबसे ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिल रही है, वो भी कई महीनों से। लोकसभा चुनाव को लेकर करीब एक साल से बिहार देश की राजनीति के केंद्र में है, लेकिन अब तक दोनों ही गठबंधनों की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, लेकिन उसमें बिहार के किसी कैंडिडेट का नाम शामिल नहीं था। माना जा रहा है कि गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट के बंटवारे पर पूरी तरह से बात फाइनल न होने की वजह से नाम के ऐलान में देरी हो रही है। हालांकि जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बहुत जल्दी सीटों का ऐलान हो जाएगा, इसमें कहीं कोई पेंच नहीं है। जेडीयू कितने सीटों पे लड़ेगी? आ जाएगा, जब तय हो जाएगा तो आपके जानकारी में सबसे पहले। सीटिंग कितनी थी, उससे कम का तो सवाल नहीं है। कहा ना कि सारी जानकारी जब हम लोग बैठेंगे, सारा डिटेल देंगे। एनडीए में कहीं कोई सीटों को लेकर एनडीए की तरह ही इंडी अलायंस का भी दावा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि एनडीए से पहले वो लोग सीटों का ऐलान कर देंगे। अब तो बोले भाई, बातचीत चल रही है, एनडीए से पहले हम लोगों का हो जाएगा और कुंभा जुड़ेगा। लेकिन आप देखिएगा, जो लिस्ट भाजपा का निकला बिहार का, तो किसी का नहीं निकला। कल सुप्रीम कोर्ट ने हां, बीजेपी में बिहार में एको को टिकट बांटा जाना ना, वो बताइएगा। सूत्र बता रहे हैं कि 7 और 8 मार्च को दिल्ली में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हो सकता है और 8 मार्च को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार के उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी। वैसे बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने 17-17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि एलजेपी के खाते में 6 सीटें आईं। 2019 चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली, बीजेपी के खाते में 17, जेडीयू के खाते में 16 और एलजेपी के खाते में 6 सीटें आईं। तब के महागठबंधन को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली, जो कि कांग्रेस के खाते में गई। 2024 में एनडीए 40 सीटें जीतने का दावा कर रहा है, जबकि इंडी अलायंस का दावा है कि वो चौंकाने वाला रिजल्ट देखेंगे। एनडीए में पिछली बार से ज्यादा पार्टियां शामिल हैं, वहीं इंडी अलायंस की तस्वीर भी थोड़ी बदली बदली सी है। अब देखना ये होगा कि किस फॉर्मूले पर और कब तक बिहार में लोकसभा की सीटों का बंटवारा हो पाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना स्मार्ट सिटी की तरफ से एक बार फिर से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए नया प्रयोग चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसकी उपयोगिता भी समझने लगे। इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए पब्लिक एड्रेस सिस्टम में जिंगल फिट कर दिया है और कुल 51 जगहों पर जिंगल के माध्यम से वोटर्स को जागरूक किया जा रहा है। पटना स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी मानते हैं कि सिस्टम के जरिए चलाए जा रहे अभियान से वोटिंग प्रतिशत में काफी इजाफा होगा। पटना के गोलघर चौराहे के पास जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। लोकसभा चुनाव को लेकर पटना जिला प्रशासन की तरफ से लगातार वोटर अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी की पहल पर पटना में 51 जगहों पर जिंगल लगाए गए हैं, यानी जिंगल के जरिए लगातार वोटर्स को जागरूक किया जा रहा है। बता दें आपको कि पटना के गोलघर चौराहे के पास मौजूद है और यहाँ पर भी देख सकते हैं लाउड स्पीकर के शिफ्ट में आपको जिंगल दिखाई दे रहा है, यानी जैसे ही अगर आप राह से गुजरते हैं तो आपको आवाज़ सुनाई देगी कि वोट का क्या महत्व है। फीडबैक अच्छा मिल रहा है और इससे क्या हो रहा है कि लोगों में अवेयरनेस आ रहा है और जाते आते सुनते सुनने के साथ साथ उनमें अवेयरनेस आ रहा है। इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे तो अभी आवाज़ आएगा फिर। हेलो सर, हाँ हेलो, आवाज़ सुन सकते हैं आप? ये इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, मैं बोल घर पे हूँ, आप देख रहे हैं। बहुत ज्यादा हो गया था कि डेंगू जो है वो लगातार लोगों को हो रहा है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए भी इसके जरिए पीए सिस्टम के जरिए और इमरजेंसी हमारा जो वीएमडी है उसके जरिए हम लोगों को लगातार जागरूक कर रहे थे कि उनको क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए। इसके अलावा अगर कहीं ट्रैफिक रूट का डाइवर्जन होता है हम उसकी जानकारी भी देते हैं, या कोई ऐसा कोई विशेष कार्यक्रम पूरे हो रहा है हम उसकी भी जानकारी देते हैं। इस पीए सिस्टम
जरिए हमने लगातार लोगों को जागरूक किया है। जो वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाए हैं उन्हें वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए भी अपील की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी की पहल पर 51 जगहों पर यह आवाज सुनवाई दे रही है और उम्मीद यही है कि वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव की तुलना में इस बार जरूर बढ़ेगा। रजनीश कुमार, न्यूज 18।